Right, guys. So let us start on with the case study type questions on the Sales of Goods Act. Question number one pe aao case study ke. Right, let us read this together. It says, Ram consults Shyam, a motor car dealer, for a car suitable for touring purposes to promote the sale of his product. तो राम को एक गाड़ी खरीदनी है. गाड़ी खरीदने का पर्पस क्या है कि उसको टूर पे जाना होता है टू प्रमोट द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट. श्याम ने सजेस्ट किया, श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम. तो श्याम से उन्होंने मारुति खरीद ली. द कार टर्नड आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस. व्हाट रेमेडी इज having now under what remedy Ram is having now under the Sales of Goods Act 1930. तो इस केस में देखो क्या होगा. What portions do you refer to इधर. देखो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे stipulation की condition और warranty को define करेंगे. Condition is essential, warranty is collateral. फिर हम बोलेंगे कि ऑर्डिनरीली देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. बट व्हेन द बायर हैज मेड नोन द पर्पस, ही रिलाइज अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर विच ऑर्डिनरी डील्स इन द प्रोडक्ट. तो उस केस में द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टू द बायर. इन द करंट केस श्याम इज अ कार डीलर, therefore he ordinarily deals in car. Ram had made known his purpose of the use for car and thereby Ram relied upon the skills and judgment of the Shyam. The car suggested by Shyam turns out to be unfit for the purpose of use of Ram and hence Ram would be able to avoid the contract and claim damages. Clear hai yahan pe? राइट. तो पर्पस बता दिया था कि किस पर्पस के लिए कार को यूज करना है. सिंस पर्पस ऑफ यूज इज स्पेसिफिकली स्टेटेड, द स्किल्स एंड जजमेंट हैव बीन रिलाइड अपॉन एंड द डीलर ऑफ द कार मतलब ही ऑर्डिनरीली डील्स इन सच प्रोडक्ट्स. क्लियर है. तो यहां पे केवियट एम्प्टर से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इम्प्लाइड कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी. सेकेंड, देखो दिस इज वेरी सिंपल. यहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस. के सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप कब कब ट्रांसफर होती है. तीन कंडीशन हमें पता है. एक, जब बायर स्पेसिफिकली अप्रूवल दे देता है तब. सेकेंड कंडीशन क्या होती है, व्हेन द बायर डज सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन. थर्ड, व्हेन द स्पेसिफाइड पीरियड इज ओवर एंड द बायर डज नॉट कम्युनिकेट हिज अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द गुड्स. नंबर थ्री, मिस्टर एस अग्रीड टू परचेज 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम मिस्टर वरुण आउट ऑफ ए लार्ज स्टॉक एंड सेंड हिज मैन टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स. तो एस ने 100 बेल्स कॉटन की खरीदनी है वरुण से, जिसके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक कॉटन बेल्स का है. और एस ने अपने आदमी को भेजा कि उस स्टॉक में से 100 बेल सिलेक्ट करके लेकर आए. दे कुड पैक ओनली 60 बेल्स. राइट, इन्होंने कितनी बेल्स पैक कर पाए, 60. लेटर ऑन देयर वॉज एन एक्सीडेंटल फायर एंड द एंटायर स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड इंक्लूडिंग 60 बेल्स दैट वर ऑलरेडी पैक्ड. Referring to the provisions of Sales of Goods Act, explain as to who will bear the loss and to what extent. So, देखो यहां पे तीन चार चीज हमें mention करनी है. Right? क्या यहां पे हम पहले बोलेंगे कि जो order place हुआ वो description के द्वारा था. S ने जो आदमी भेजा उसने 60 बेल्स को असर्टन कर लिया था, और जैसे ही असर्टन किया द ओनरशिप गॉट ट्रांसफर्ड. एंड वी नो दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप. हुएवर इज द ओनर ऑफ द गुड्स हैज टू बेयर द रिस्क ऑफ द गुड्स. तो
तो यहां पे जैसे ही गुड्स को असर्टेन किया गया, द ओनरशिप पास्ड ऑन टू द बायर। तो जो पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ उसमें से 60 का लॉस बायर को बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी थी, और रिमेनिंग 40 बेल्स का जो लॉस है वो सेलर बेयर करेगा, बिकॉज वो अभी भी अनअसर्टेन थे। बिकॉज अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप जब तभी ट्रांसफर होती है जब वो असर्टेन हो जाती है, आइदर बाय द सेलर विद द परमिशन ऑफ द बायर और द बायर विद द परमिशन ऑफ द सेलर। क्लियर है? तो ये क्लॉज हमें मेंशन करना पड़ेगा कि अपोर्शनमेंट कैसे होगा, म्यूचुअली पार्टीज अपने बीच में अपोर्शनमेंट करेगी। नेक्स्ट, डी सोल्ड सम गुड्स टू ई फॉर ₹5 लाख ऑन 15 डेज क्रेडिट। तो डी ने ई को 5 लाख का गुड्स बेचा ऑन 15 डे क्रेडिट। डी डिलीवर्ड द गुड्स ऑन द ड्यू डेट, ई रिफ्यूज टू पे फॉर इट। राइट? तो डी ने गुड्स डिलीवर कर दिए, राइट, बट ई ने उसको पे करने से रिफ्यूज कर दिया। स्टेट द पोजिशन एंड राइट ऑफ डी एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो देखो यहां पे अनपेड सेलर है डी, तो अनपेड सेलर का डेफिनेशन हम लिखेंगे। फिर हम बोलेंगे कि भाई अनपेड सेलर के पास दो तरह के राइट्स होते हैं, राइट्स अगेंस्ट गुड्स, राइट्स अगेंस्ट द बायर। राइट्स अगेंस्ट गुड्स तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, बिकॉज गुड्स ऑलरेडी बायर को डिलीवर हो चुके है। यहाँ पे क्या मेंटेन होगा? सूट फॉर प्राइस। राइट? यहाँ पे क्या मेंटेन होगा? सूट फॉर प्राइस। राइट? सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर प्राइस होगा, एंड मे बी अगर इंटरेस्ट का कोई कॉन्सिक्वेंस आता है तो उसका इंटरेस्ट का कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो ये जो तीन पॉइंट है, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस एंड सूट फॉर इंटरेस्ट। देन मेजर्स वुडवर्थ एसोसिएट्स अ फर्म डीलिंग विथ होलसेल एंड रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वुडन लॉग्स। राइट? वेरियस काइंड ऑफ वुडन लॉग्स कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। दे डील विथ रोज वुड, मैंगो वुड, टीक वुड एंड बर्मा वुड एटसेट्रा। मिस्टर दास अ कस्टमर केम टू द शॉप, आस्क्ड फॉर वुडन लॉग्स मेजरिंग 4 इंचेस ब्रॉड एंड 8 फीट लॉन्ग एज रिक्वायर्ड बाय द कारपेंटर। तो कारपेंटर ने उसको साइज लिख के दिया था कि ये साइज का वुड आप लेकर आओ। डी स्पेसिफिकली मेंशन दैट ही रिक्वायर्ड द वुड विच वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग वुडन डोर्स एंड विंडोज। ये वुड इसको किस पर्पस के लिए चाहिए थे? वुडन डोर्स एंड विंडोज बनाने के लिए। The shop owner agreed and arranged the wooden pieces cut into as per the buyer's requirement. तो शॉपकीपर ने बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वुड को कट करके दे दिया। The carpenter visited Mr. Das's house next day and he found that the seller has supplied mango tree wood which was most unsuitable for the पर्पस। मतलब जिस पर्पस के लिए उसको वुड यूज करना है, मैंगो वुड इज द मोस्ट अनसुटेबल फॉर दैट पर्पस। द कारपेंटर आस्क्ड मिस्टर दास टू रिटर्न द वुडन लॉक्स एज इट वुड नॉट मीट हिज रिक्वायरमेंट। तो कारपेंटर ने बोला साहब इसको रिटर्न कर दीजिए, ये हमारे काम में नहीं लगेगा। देन द शॉप ओनर रिफ्यूज टू रिटर्न द वुडन लॉक्स ऑन द प्ले that the logs were cut to specific requirements of Das and hence could not be resold. तो शॉप ओनर ने बोला साहब आपने जो साइज बोला उस साइज के हिसाब से हमने इसको काटा, अभी ये सेम साइज खरीदने वाला दूसरा कोई कस्टमर मिलेगा नहीं, तो हम आपसे ये रिटर्न लेंगे नहीं। एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर। Whether Mr. Das would be able to get money back or right kind of wood as per the required serving his purpose. क्या होना चाहिए?
मिलेगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ केवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज बायर ने अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली बताया था. और अगर बायर ने अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली बताया था तो सेलर की ये जिम्मेदारी है कि अप्रोप्रिएट गुड्स उनको सप्लाई करें, राइट? तो उसको पैसा रिफंड देना होगा या अप्रोप्रिएट तरह के गुड्स देने होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, मिस्टर जी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस, बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे. द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी. द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच's एजेंट एंड वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर. लेटर ऑन ड्यूज ऑफ द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश, तो पैसे दे दिए. जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश मिस्टर जी आस्क्ड एच दैट गुड्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम हिज गोडाउन टू अनेबल हिम टू स्टोर अदर गुड्स परचेज्ड बाय हिम. तो बोला कि यार अब अपने गुड्स मेरे गोडाउन से लेकर जाओ, तुमने तो खरीद लिया, मेरे को और सामान डालना है अपना, तो मेरे गोडाउन में स्पेस नहीं है. After one day, since H did not take the delivery of the goods, G kept the goods out of the godown in an open space. G ने उसके goods बाहर निकाल के रख दिए. Due to rain, some goods were damaged. तो बारिश हुई और इससे कुछ goods destroy, damage हो गए. Referring to the provisions of Sales of Goods Act, analyze the above situation and decide. Who will be held responsible for the above damage? Will your answer be different if the dues were not settled in cash and are still pending? सोचो और बताओ कि इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए. Who will be responsible? Why is the buyer responsible? See, G is the seller, H is the buyer. G ने goods बेचे, goods अभी भी उसके warehouse में है. पैसे G को मिल गए. पैसे मिलने के बाद G ने buyer को बोला कि यार अपने goods यहां से उठा के लेकर जाओ, मेरे को किसी और purpose के लिए मेरे गोडाउन में जगह चाहिए. एक दिन तक वेट किया, वेट करने के बाद भी वो लेकर नहीं गया, तो इसलिए उसने गुड्स गोडाउन के बाहर रख दिए और फिर बारिश हुई और कुछ गुड्स उसमें से डैमेज हो गए. तो ये जो डैमेज है उसका लॉस कौन भुगतेगा? बायर के सेलर. बायर क्यों भुगतेगा? क्योंकि क्योंकि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी थी. बट किसकी? सेलर की. नहीं नहीं, अभी एक बार समझो. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव के सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों? उसको गुड्स बाहर नहीं रखने चाहिए थे. हाँ, बाहर रखे इसलिए रेन से खराब हो गए. अगर अंदर रहता तो खराब नहीं होता. सो ये सेलर को मानता है. अभी बायर को जो लोग बोल रहे हैं उनका क्या आर्ग्यूमेंट है? कि वो सेलर बायर को बता चुका था कि अपने गुड्स लेकर जाओ, फिर भी वो नहीं लेकर गया, इसलिए उसको मजबूरन बाहर रखने पड़े. तो देखो यहां पे व्हाट्स हैपनिंग इज के द सेलर गेव द नोटिस टू द बायर कि यार आप अपने गुड्स उठा के लेकर जाओ. वो नहीं लेकर गया और बायर को अपने खुद के गुड्स स्टोर करने थे, इसलिए उसने बाहर निकाल के रखे. एंड देन देयर वाज अ रेन व्हिच कॉज्ड द डैमेज टू द गुड्स. तो इसमें डिफॉल्ट किसका है? बायर का. हु इज एट डिफॉल्ट? ही डिड नॉट टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. ओनर भी बायर है, डिफॉल्ट भी बायर का है. देयरफॉर द लॉस शैल बी बॉर्न बाय द बायर. क्लियर है?
इस वजह से लॉस बायर को बेयर करना होगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ड्यूज वर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड स्टिल पेंडिंग? क्या करना है इस केस में? वो अनपेड सेलर हो जाएगा, ठीक है। गुड्स पे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया फिर? नहीं, बट बाहर रख दिया ना। अरे डोंट डिविएट फ्रॉम द केस ना। ही डिड नॉट रिसीव द मनी, देयरफॉर ही केप द गुड्स आउटसाइड। नाउ व्हाट विल हैपन? वेरी गुड। देखो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुका है ना, अभी पैसे नहीं मिले हैं उसको, बट वो तो उस सामने वाले को बोल दिया ना कि अपने गुड्स तुम लेकर जाओ, बिकॉज तुम्हारे खरीदे हुए गुड्स है। इस केस में भी डिफॉल्ट किसका है? बायर का। सो बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल। यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि सेलर अपना कौन सा राइट एक्सरसाइज करेगा। द बैकग्राउंड स्टोरी रिमेन्स द सेम, राइट? ओनली द चेंज इज दैट द कैश हैज नॉट बीन रिसीव, दैट डज नॉट चेंज द सर्कमस्टेंस। नहीं हुआ ना, स्टिल पेंडिंग बोला ना। हाँ, अगर सेकेंड पार्ट में सेलर ने उसको रिक्वेस्ट नहीं किया होता लेकर जाओ, तब सेलर को लॉस बेयर करना होता। नेक्स्ट, सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर 75,000। आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, सोहन पेड 25,000 एंड टुक पोजेशन ऑफ द कार एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग विद इन अ मंथ। लेटर ऑन सोहन रिफ्यूज टू गिव द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द ग्राउंड दैट द कार वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। एडवाइस सूरज एज टू वॉट रेमेडीज इज अवेलेबल टू हिम। क्या करेगा? सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट, बिकॉज जो गुड्स है उसका तो डिलीवरी ऑलरेडी हो चुका है और गुड कंडीशन में नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपने कार का इंस्पेक्शन करके लिया था, उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट आप देखते हो तो दैट आर नॉट रेलेवेंट। ये एक बार सारा रीडिंग कर लेना, बिकॉज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओनली द कंक्लूजन पार्ट, राइट? व्हाट सेक्शंस यू हैव टू मेंशन, प्लीज रीड इट फ्रॉम हियर। जे द ओनर ऑफ अ कार हु वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, फॉर दिस पर्पस ही हैंडेड ओवर द कार टू पी, राइट? उसने कार को क्या किया? पी को दे दिया। अ मर्कल्टाइल एजेंट फॉर सेल एट अ प्राइस नॉट लेस देन ₹50,000। एजेंट सेल्स द कार एट 40,000 टू ए, हु बाइज द कार इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड। पी मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी ऑल्सो, तो एजेंट पैसे लेकर भी भाग गया। जे स्यूज ए टू रिकवर द कार, डिसाइड गिविंग रीजन वेदर जे वुड सक्सीड। क्या होगा? नो। देखो यहां पे क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे मर्कंटाइल एजेंट क्या होता है और हम ये भी लिखेंगे कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर मर्कंटाइल एजेंट एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। तो मर्कंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी थी, कार की पोजेशन थी, तो वो वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। तो ए विल गेट अ वैलिड टाइटल टू दी कार। अभी उसने कम में बेचा, पैसा नहीं दिया, वो जे और पी के बीच का किस्सा है, उसको उससे ए को कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर एम्प्लॉइज, मिस्टर यादव बॉट डार्क ब्लू कलर्ड क्लॉथ फ्रॉम विवेक बट डिड नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्पस ऑफ द सेड परचेज। तो वो गए, बोला डार्क ब्लू कलर का कपड़ा दो, कपड़ा लेकर आ गए। वेन यूनिफॉर्म वर प्रिपेयर्ड एंड यूज बाय द एम्प्लॉइज, द क्लॉथ वॉज फाउंड अनफिट, मतलब वो कपड़ा सही नहीं था। हावेवर देर वॉज एविडेंट दैट द क्लॉथ वॉज फिट फॉर कैप्स, बूट्स, कैरिएज लाइनिंग। एडवाइज मिस्टर यादव वेदर ही इज एंटाइटल टू हैव एनी रेमेडी इन द सेल्स ऑफ गुड्स। आंसर इज नो। वाई? केवियट एम्प्टर, बिकॉज बायर ने खुद का चॉइस किया,
देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर अ पर्टिक्युलर पर्पज. द बायर डिड नॉट मेंशन द पर्पज ऑफ हिज यूज. Ram sells 200 bales of cloth to Shyam and sends 100 bales by lorry and another 100 bales by railway. तो 200 में 100 लॉरी से और 100 रेलवे से. Shyam receives 100 bales sent by lorry, but before he receives delivery of the bales sent by railway, he becomes bankrupt. Right? तो जो buyer है वो क्या हो गया? Bankrupt. Ram is still unpaid. Ram being still unpaid stops the goods in transit. The official receiver on Shyam's insolvency claims the goods. Decide the case with reference to Sales of Goods Act. तो क्या हुआ कि राम इंसॉल्वेंट हो गया. ध्यान से सुनो. राम इज द बायर, श्याम इज द सेलर. श्याम ने 100 बेल, सॉरी, राम इज द सेलर, श्याम इज द बायर. राम सेल्स 200 बेल्स टू श्याम. श्याम रिसीव्स इतना, बट बिफोर ही रिसीव द डिलीवरी ही बिकम्स बैंकरप्ट. तो श्याम बिकम्स बैंकरप्ट. तो 100 बेल्स उसको मिल गए, बाकी 100 बेल्स अभी भी रेलवे में इन ट्रांजिट है. सेलर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करना चाहता है, बट जो बायर है वो तो इंसॉल्वेंट है, तो कोर्ट ने एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया. वो चाह रहा है कि ये 100 बेल की डिलीवरी उसको मिलनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड हैपन? नहीं मिलेगा, बिकॉज जब इंसॉल्वेंट होता है तब आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो. राइट? तो राम कैन स्टॉप. सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू कोट द सेक्शन नंबर एनीवेयर. अगर कोई सेक्शन याद है तो कोट करो, अदरवाइज कोट मत करो. एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 खत्म. हाँ, काफी है. मतलब नहीं, तुमको सेक्शंस लिखने हैं, याद है, यू कैन राइट. मतलब एकदम एग्जामिनर फ्लैट हो जाएगा भाई. बट अगर सेक्शन नंबर सही लिखते हो तो सही है, गलत लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी टू रिमेम्बर थिंग्स.